नमस्कार भाइयों बहनों, मेरा नाम है शुभांका सिंह। स्वागत है आपका मिस्टर ऑसम शो की इस नई वीडियो पे। और आज इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं टॉप 5 गेमिंग लैपटॉप्स की 70,000 की रेंज में, जो कि इस बिग बिलियन डेज और ग्रेट इंडियन सेल में आने वाले हैं। तो ज्यादा टाइम बर्बाद न करते हुए कार्यक्रम शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले भाई, वही 50 लाख का गोल है, 1000 सब्सक्राइबर पे एक गिव अवे है गूगल प्ले गिफ्ट कार्ड का किसी एक सब्सक्राइबर को, तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिएगा भाई। 92% ही मेरे मतलब व्यूअर्स ने आज तक सब्सक्राइब ही नहीं किया, तो प्लीज कर दीजिएगा, चैनल को सपोर्ट मिल जाता है। तो हमारे लिस्ट में जो सबसे पहले लैपटॉप आता है उसका नाम है MSI का GF75। और ये लैपटॉप मतलब MSI का काफ़ी टाइम से मतलब कुछ खास ऑफर दे नहीं रहे थे, और मुझे जहाँ तक उम्मीद है कि फ्लिपकार्ट के बिग बिलियन डेज में इस पर काफ़ी अच्छे ऑफर आने वाले हैं, क्योंकि खासकर लिखा हुआ है कि इलेक्ट्रॉनिक्स पे 25% ऑफ मिलने वाला है। और मैंने मतलब जो GF75 का ओरिजिनल प्राइस था उसे मैंने 25% कट किया, तो मुझे प्राइस मिली अराउंड 67,500 टू 70,000 के बीच में, मतलब इसी प्राइस रेंज में इसका दाम आने वाला है। तो और इसके जो स्पेक्स हैं उस हिसाब से ये दाम बहुत मतलब वैल्यू फॉर मनी है एकदम, क्योंकि जैसे इसमें i7 आपको मिल जाता है 9th Gen, 1650 Ti आपको मिल जाता है 4GB, फिर उसके बाद आपको 16GB का रैम सपोर्ट मिल जाता है। तो ये सारे इसके जो स्पेक्स हैं इस प्राइस पॉइंट के लिए काफ़ी अच्छे हैं, एक गेमिंग एक्सपीरियंस आपको ये 70,000 के अंदर में कम करवा देगा। होप सो कि मेरी जो प्रिडिक्शन है जो मेरा कैलकुलेशन वो सही निकले, बाकी देखते हैं। बोनस लैपटॉप भी मैं इसके साथ ही ऐड कर देता हूँ, जो है MSI का ही GF65। ये भी मतलब इसके थोड़ा आपको स्पेक्स में थोड़े ही बहुत अंतर मिलेंगे, और ये उससे चीपर पड़ेगा 75 के, मतलब जो GF75 मॉडल है उससे थोड़ा चीपर है। तो हो सकता है कि वो वाला मॉडल शायद 70 के अंडर में ना आ पाए, पर ये आ सकता है। तो आप दोनों को विशलिस्ट कर दीजिएगा, मैं सारे लैपटॉप्स के लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में आप चेक कर सकते हो, उसमें होंगे, आप प्लीज़ जाके मतलब सबको विशलिस्ट कर लीजिए, ताकि जब ऑफर आए तो आप तुरंत बाय कर सको। लिस्ट में आगे पढ़ते हैं, और जो हमारे लिस्ट में नंबर 2 पे आने वाला लैपटॉप है, भाई साहब ये कंपनी से मैं कितनी उम्मीदें रख रहा था कि गेमिंग लैपटॉप अच्छी लाए, और फाइनली इसने ले आया। ये है डेल का G3, और मतलब काफ़ी में दिनों बाद एक डेल की तरफ से गेमिंग लैपटॉप आया है जो 70,000 के अंडर में है, और सही बताऊँ बिल्कुल भी इसकी प्राइस ज़्यादा नहीं है इसके प्राइस के, वो इसके मतलब जो स्पेक्स हैं उसके हिसाब से, क्योंकि ऑफ़र में मुझे जहाँ तक उम्मीद है डेल की तरफ से ऑफर्स बहुत अच्छे मिलने वाले हैं, और इस लैपटॉप का दाम मतलब 70 के नीचे गिरेगा ज़रूर। और जो इसके स्पेक्स हैं वो मतलब मेरे बाकी लिस्ट के जितने भी लैपटॉप्स हैं ना उनसे कुछ कुछ मामले में काफ़ी बेटर है। जैसे सब में 1650 है, इसका 1660 Ti है, और मतलब 1660 Ti से ऑब्वियस बात है 1650 नया था, बट 1660 बेटर है, और थोड़ा मतलब हाई परफॉर्मेंस में भी वो आता है। प्लस जो इसका आपको दो वेरिएंट मिल जाते हैं, 101 इसमें मिलेगा आपको 512 GB SSD वाला, एक मिलेगा 256 GB SSD प्लस 1 TB HDD। मैं आपको दोनों के लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आपकी मर्जी जो भी आप खरीदना चाहो, वैसे दोनों विशलिस्ट कर लेना, क्योंकि दोनों का प्राइस थोड़ा सा अंतर है, देखना पड़ेगा कि दोनों में 70,000 के नीचे कौन सा आता है। वैसे दोनों ही आ सकते हैं 70,000 के नीचे, क्योंकि भाई कट होगा, डेल इस बार ऑफर लाने वाला है फ्लिपकार्ट पे, तो मुझे उम्मीद है कि इसकी प्राइसेस मतलब कम होंगी, और इस लिस्ट में ये वन ऑफ दी स्ट्रॉन्गेस्ट कंपिटिटर है मानना पड़ेगा। लिस्ट में तीसरे नंबर पे जो आने वाला लैपटॉप है उसका नाम है लेनोवो गेमिंग 3i, आइडियापैड गेमिंग 3i। और मतलब मैं लिनोवो को कुछ खास सपोर्ट नहीं करता है भाई, चाइनीज़ कंपनी है, तो थोड़ा मेरा उतना सपोर्ट नहीं है, क्योंकि मैं थोड़ा एंटी चाइनीज़ ब्रांड हूँ, तो थोड़ा मेरा उतना सपोर्ट नहीं है लिनोवो के लिए। बट मैंने कहा कि सबका भाई अब मेरे जैसा वो नहीं होता कि मतलब एंटी चाइनीज़, आप कुछ लोग खरीदना ठीक लगता है किसी को प्रॉब्लम नहीं है, इसीलिए मैंने इस लैपटॉप को ऐड कर दिया भाई। इसमें मतलब आपको 1650 Ti मिल जाता है, और i5 10th Generation का मतलब प्रोसेसर मिल जाएगा आपको, और वही 256 GB SSD और 1 TB HDD। इस लैपटॉप को ऐड करने का यही था कि मतलब किसी किसी का हो सकता है कि 60,000 के अराउंड में बजट हो, तो उनके लिए एक मतलब अच्छा लैपटॉप है। हो सकता है किसी का लिनोवो पर ट्रस्ट ज़्यादा हो, तो ये लैपटॉप मतलब आप जैसे कोई है जिनको मतलब एक कंपनी लिनोवो का चाहिए और मतलब 60,000 के अराउंड में चाहिए, इसलिए मैंने इसे ऐड कर दिया।
लिस्ट में हमारे जो चौथे नंबर पर लैपटॉप है वो भी भाई एक ऐसी कंपनी से आता है जिसपे लोगों का ट्रस्ट काफी ज्यादा है। सही बात है यार, Asus Acer ने काफी कंपनीज को मतलब मजबूर कर दिया कि अपने गेमिंग लैपटॉप्स को कम प्राइस पे लाए। तो ये कंपनी है भाई HP पवेलियन की तरफ से आने वाला एक गेमिंग लैपटॉप है, और मतलब इसके भी जो स्पेक्स हैं इसके प्राइस के हिसाब से, वैसे ये मेरा प्राइस प्रिडिक्टेड है और मतलब हो सकता है कि इस प्राइस में ना इसे थोड़ा ऊपर जाए, पर मुझे जहाँ तक लग रहा है 55,000 में आपको HP पवेलियन का i5 9th Gen और जो 1650 GB ग्राफिक्स कार्ड ये आपको मतलब मिल जाएगा 55,000 की रेंज में। और अगर ऐसा होता है तो ये बहुत बम्पर डील होने वाली है, काफ़ी अच्छी डील होगी जिनको मतलब गेमिंग के लिए मतलब थोड़ा बजट कम है, 60,000 के नीचे वाला बजट है और आपको गेमिंग लैपटॉप चाहिए, तो हो सकता है ये आपके लिए अच्छी वाली डील हो। लेकिन हो सकता है मेरी प्रिडिक्शन रॉन्ग भी हो सकती है, बट रॉन्ग होने का चांस कम है, उम्मीद रखिएगा। विशलिस्ट में अपने कर दीजिए, वही डिस्क्रिप्शन भाई साहब नीचे है, जाके एकदम विशलिस्ट करके रखिएगा। ये सब मैं इसीलिए बता ही रहा हूँ कि आपके ध्यान में रहिए ये लैपटॉप कि आप कौन कौन सा ले सकते हैं। और आप लोगों को ये भी लग रहा होगा फिलहाल कि मैंने सारे फ्लिपकार्ट के ही ऐड किए हैं, अमेजोन के कुछ ऐड नहीं किए। भाई अमेजोन वालों ने कुछ क्लियर ही नहीं किया है कि कितना ऑफ करने वाले, 80% ऑफ करके लिखा हुआ है भाई, मुझे तो नहीं लगता इतना मिलेगा, तो इसीलिए मैंने उनका कुछ खास ऐड नहीं किया। तो कमी है एक, आखिरी में एक लैपटॉप आने वाला है बोनस में। वैसे लिस्ट को हम लोग कंटिन्यू करते हैं। देखिए भाई लिस्ट में ये पहली बात तो ये लिस्ट है, कोई रैंकिंग नहीं, तो लिस्ट इसमें कुछ मैं रैंक नहीं कर रहा, बस एक लैपटॉप आपको बता रहा हूँ। और एक बोनस लैपटॉप भी है, जिन्होंने भी वीडियो यहाँ तक देख ली है भाई, एक बोनस लैपटॉप भी है इसके बाद, क्योंकि ये टॉप 5 नहीं असल में टॉप 6 है। तो 5th नंबर पे जो हमारे लैपटॉप है उसका है भाई फैंस पड़े हैं भाई फैंस है Asus का ROG और ये 2020 एडिशन है। ये जो मेरी प्रेडिक्टेड प्राइस है उसमें भी इसका दाम मतलब 72,000 है, मतलब ये हो सकता है कि इसके भी थोड़ा सा ऊपर है। लेकिन मैंने इसका जो स्पेक्स मैंने देखा तो मैंने सोचा यार इसे नहीं ऐड करूँगा तो गलत हो जाएगा, क्योंकि जो स्पेक्स ये दे रहा था वो मतलब किसी और लैपटॉप में नहीं था इस प्राइस रेंज में, तो इसलिए मैंने इसे ऐड किया। 144 हर्ट्ज़ की आपको डिस्प्ले मिल जाती है, 1 TB SSD मिल जाता है, 16 GB RAM मिल जाता है, 1650 Ti 4 GB ग्राफिक्स कार्ड का सपोर्ट मिल जाता है i7 10th Gen के साथ। मतलब ये प्योर एक आपको जो गेमिंग प्रोवाइड करेगा वो शायद ही 70,000 के अराउंड वाले लैपटॉप में कोई कर सकता है, थोड़ा सा इसका 70,000 के ऊपर बजट जाएगा, बट उस बजट पे आपको ये सही बताऊँ तो वैल्यू फॉर मनी है। ये थोड़ा ऊपर था बट मैंने कहा कि इसको ऐड करना भाई ज़रूरी है, इसका स्पेक्स देख के मुझे मैं इसे इग्नोर नहीं कर पाया, तो मैंने कहा इसे ऐड कर लेते हैं। और वैसे भी मैं 80,000-90,000 वाले वीडियोस तो बनाने से रहा, टॉप 5 70,000 मेरा मैक्स था, क्योंकि मेरी खुद की भी वही उतनी है भाई, उससे ऊपर मैं नहीं जा सकता, तो 70,000 के ऊपर वाली वीडियो नहीं बननी थी। और मैंने कहा इसी में इसको ऐड करते हैं, क्योंकि हो सकता है किसी का 70,000 के ऊपर का भी बजट हो, और या तो 70,000 का हो पर ये लैपटॉप देख के आप शायद अपना थोड़ा बजट बढ़ा लो, तो इसे भी विशलिस्ट ज़रूर करिएगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। लिस्ट में जो हमारे 6th नंबर पर लैपटॉप है, और मतलब काफ़ी ये भी वन ऑफ द ऐसा लैपटॉप है जो बहुत दिनों से दिखा नहीं, अचानक से आने वाला है, पक्का आने वाला है, इस पर मुझे मतलब 90% की गारंटी है कि मेरा जो प्राइस है उस पर ये आएगा। इसका नाम है Acer का प्रेडेटर हिलियोस 300। मतलब काफ़ी टाइम से ये प्रेडेटर सीरीज गायब सी थी थोड़ी, और अब ये वापस आएगी, और मुझे इसका जो प्राइस है वो करेक्ट 70,000 लग रहा है। स्पेक्स इसके Asus ROG से सेम है, बिल्कुल सेम है, वही i7 10th Gen है, 1650 Ti है, 144 हर्ट्ज का आपको डिस्प्ले मिल जाता है, और प्लस मतलब सारे स्पेक्स सेम है, सिर्फ इसमें 1 TB HDD और 256 GB SSD है, जैसे उसमें 1 TB पूरी SSD थी, इसमें ऐसा नहीं है, इसमें 1 TB HDD और 256 GB SSD है, तो मतलब सिमिलर लैपटॉप है और Acer की तरफ से आने वाला है, तो बस वही थोड़ा सा डिफरेंस है, 70,000 की रेंज में है, और मैंने इसे भी कहा कि इसे भी मैं इग्नोर नहीं कर सकता, अच्छा लैपटॉप था, तो मतलब ये भी वन ऑफ दी जो एकदम टफेस्ट कंपिटिटर है मेरे लिस्ट में, ये उनमें से एक है।
तो वीडियो के अंत तक हम पहुंच गए और एक बोनस लैपटॉप में ऐड करना चाहूँगा, क्योंकि इस लैपटॉप के भी काफ़ी मतलब मुझे कमेंट्स में क्वेश्चन पूछे जाते हैं इस लैपटॉप के लिए। Asus का ये TUF सीरीज़ है और मैं आपको बोलूँगा कि TUF सीरीज़ आप Flipkart से ना लो तो बेटर पड़ेगा, क्योंकि TUF सीरीज़ के जो मतलब अच्छे मॉडल्स हैं वो Amazon में है। ऐसे आपकी मर्जी है, दोनों ही जगह अवेलेबल है, लेकिन मुझे जहाँ तक लगता है Amazon पर बेटर पड़ेगा। प्लस जो इसकी स्पेक्स है इसके प्राइस के हिसाब से, अभी तो इसकी प्राइस 65,000 दी हुई थी, पर मुझे लगता है ये 50 to 55 के अराउंड में आ सकती है इसका प्राइस। और 120 हर्ट्ज की स्क्रीन है, 1650 है, 8GB रैम है, फिर वही अपना 1TB SSD, 256GB SSD, तो वही सारे स्पेक्स हैं इसमें भी। तो अगर आपको TUF सीरीज़ का लेना है, 60,000 के अंडर का बजट है, तो हाँ ये लैपटॉप अच्छा है, मैं ये नहीं बोलूँगा बिल्कुल भी कुछ खराबी है इसमें। तो यही थी हमारी आज की लिस्ट, मैंने 5 लैपटॉप्स बोल के शायद ज़्यादा ही गिनवा दिए, और सबको भाई विश लिस्ट कर लीजिएगा, अच्छे लैपटॉप्स हैं, मेरे प्रिडिक्शन रॉन्ग भी हो सकती है, प्लीज़ वापस आके गाली मत दीजिएगा। मैंने एक प्रिडिक्शन लगाया 25% ऑफ और Acer और Asus पे 40% ऑफ था, तो इसलिए मैंने एक प्रिडिक्शन लगाया कि हो सकता है ये प्राइसेस आए, हो सकता है थोड़ी ऊपर थोड़ी नीचे भी जा सकती हैं, नीचे जाए मनाओ भाई लोग। तो यही थी हमारी आज की वीडियो, उम्मीद है आपको पसंद आई होगी, पसंद आ गई तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और नोटिफिकेशन बेल को भाई ऑल पे कर दीजिएगा, तभी आपको जैसी भी ऐसी वीडियोस आती रहे आपको तुरंत नोटिफिकेशन आ जाए। भाई गर्मी अलग हो रही है, कमेंट में मुझे बता दीजिएगा कि मतलब आपको कौन सा इसमें लैपटॉप बेस्ट लगा, आपको लेना होगा तो आप कौन सा लोगे, और क्या आप मेरी प्राइसिंग से एग्री करते हो, सारी चीज़ें मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा, मैं आपके कमेंट्स का मैं रिप्लाई करता हूँ यार, थोड़ा कमेंट्स पर ध्यान दिया करो, कमेंट्स में ज़रूर मुझसे अपने ओपिनियन शेयर करिएगा। बाकी देश को स्वस्थ रखिए, अपने आप को स्वस्थ रखिए, हमें भी थोड़ा स्वस्थ रखिए, ज़्यादा मत रखिए। इसी के साथ चलते हैं, जय हिंद जय भारत।